हेलो एवरीवन वेलकम टू अभिमन्यु आई एस एंड इन द सीरीज ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द द डे एज वी डिस्कस ऑल इंपॉर्टेंट इन दिस सीरीज टुडे आई हैव वेरी क्वेश्चन फॉर यू एंड दैट क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन परसेंटेज यस परसेंटेज का क्वेश्चन आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइप वेरी इंपॉर्टेंट टाइप एंड दिस क्वेश्चन वॉज आस्ड इन यू पी एस सी 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 ट्वेंटी ट्वेंटी अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या था

56 सिक्स परसेंट वोट मिले हैं किसको एक्स को अब एक्स को जब 56 परसेंट वोट मिले हैं दैट इज द द विनर एंड वन यस बाय कितने वोट से इलेक्शन जीता है एक्स फोर्टीन फोर्टी वोट वट इज द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटर्स लिस्ट अब देखो थोड़ा सा अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या है 80 परसेंट जितने भी 80% परसेंट एट्टी परसेंट लोगों ने वोट दिया टोटल अगर मैं कंसीडर करके चलूँ कि मेरे पास में कितने हैं टोटल वोटर्स यस yes, बिल्कुल वे वैसे एक बार लॉजिकली समझ लीजिए लॉजिकली समझ लीजिए अगर मैं कहती हूँ कि टोटल वोटर्स थे हंड्रेड एक्स ओके जिसके अंदर से वोट कितने दे दिया है एट्टी ने दैट मीन्स कि जो एट्टी है दे कास्ट देयर वोट और जो 80% परसेंट थे इसके अंदर से भी जो विनर है और लूजर है ठीक है विनर को मिला कितना 56% परसेंट और जो लूजर है लूजर को ऑब्वियसली टोटल हमेशा कितना होता है? जब भी बात करते हैं परसेंटेज की देन टोटल इज हंड्रेड परसेंट ओके तो लूजर को कितना मिला फोर्टी फोर परसेंट किसका इतनी भी वोट कास्ट हुई है दैट मींस कि जो लूजर है उसको कितना परसेंट कम मिला ट्वेल्व परसेंट ओके okay? और यहाँ पे क्या कह रहे हैं है, क्या, कह? यहाँ पे उसने क्या कह? कास्ट. जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो की वर्ड है वो आपने ध्यान रखने अगर यहीं पे आपके पास में होता कि टोटल वोट्स तो उसके अकॉर्डिंग आप करते वोट कास्ट का है कि आपने वोट कास्ट उठाना है यहाँ से वोट कितने कास्ट हुए 80x. ठीक है? 80x एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1440. सिंपल यू विल सोल्व एंड गेट द आंसर ओके तो यहां पे अपने पास में जो वैल्यू है वैल्यू कितनी आ गई एक्स इज इक्वल टू वन फिफ्टी और उसने क्या क्या नंबर ऑफ वोट्स इन द वोटर लिस्ट Number of कितनी थी so सोचना है आपने लॉजिकली मैं क्यों कह रही हूँ बार बार जब भी हम बात करें सी सेट के एग्जाम की तो क्वेश्चन लॉजिकल क्वेश्चन काफी ज्यादा आ रहे हैं आजकल एग्जाम में आप ये कह सकते हो कि आ, जो क्वेश्चन है डायरेक्ट क्वेश्चन की बजाय लॉजिकल क्वेश्चन आ रहे तो लॉजिकली आपने सोच के है कि कैसे हुआ ठीक है अब सीधी सी बात है विनर को तो आपने ये देखना है कि जो 1440 वोट है उसको किससे कंपेयर करना है यस yes, 1440 वोट्स कौन से हैं जो विनर को लूजर से ज्यादा मिले हैं डिफरेंस बिटवीन द वोट्स गेट बाई द विनर एंड लूजर ओके सो दिस वॉज वेरी सिंपल तो इस तरह से आपने पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना अगर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन की जरूरत है इन दैट केस अभी मन आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चन भी प्रोवाइड करें और पर्टिकुलर टॉपिक से आप प्रिपेयर कर सकते हो आई है वीडियो जिसके अंदर आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताया कि हाँ स्क्वाड और लॉजिकल रीजनिंग के ये टॉपिक्स आप प्रिपेयर कर लो आपका सी सेट क्लियर है तो आप ऐसा भी कर सकते हो सिर्फ उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लो अब जैसे यहाँ पे ही है द माइक्रो माइक्रो कोर्सिस का ये लिंक है ये डिस्क्रिप्शन में आपके पास अवेलेबल है वहां से आप उस पर्टिकुलर लिंक पे जा सकते हो यस लिंक अब देखो यहाँ पे सभी टॉपिक नंबर सिस्टम एज यू नो वेरी इंपॉर्टेंट अभी हम परसेंटेज का जैसे हमने क्वेश्चन किया था यस yes, परसेंटेज आप यहां से ले सकते हो अब बात आते है कि, हाँ जी क्या मुझे सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे या मुझे वीडियोज मिलेंगे देखो अब अगेन यू कैन कस्टमाइज इट आप यहां पर जाओगे तो यहां पर आप देख सकते हो कि परसेंटेज का आपके पास में क्या है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है अगर आपको सिर्फ वीडियो लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट है यू कैन टेक ओनली दीडियो लेक्चर यू कैन स्कीप दिस डू ओके डन तो आपको जो चाहिए आप उतना ले सकते हो अगर आप कहते हो नहीं मुझे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी चाहिए ये भी चाहिए ये साथ साथ में पॉइंट्स आपके ऐड हो जाएंगे तो इस तरह से आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से उसको प्रिपेयर कर सकते हो आप पहले क्या करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बनाइए क्वांट लॉजिकल रीजनिंग इंग्लिश इन दैट केस आफ्टर दैट यू विल गो थ्रू वन बाय वन कि हाँ ये वाला टॉपिक मेरा प्रिपेयर है यस yes, ये टॉपिक मेरा प्रिपेयर हो गया इस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हो ओके सो इट वॉज ऑल फॉर टूडे थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ थैंक यू